इस्तिग़फ़ार के बहुत फायदे हैं। नंबर एक, गुनाह माफ होंगे, सूरह नूह आयत नंबर 10। नंबर दो, बारिश होगी, सूरह नूह आयत नंबर 11। नंबर तीन, औलाद नसीब होगी, सूरह नूह आयत नंबर 12। नंबर चार, माल मिलेगा, सूरह नूह आयत नंबर 12। नंबर पांच, बागात मिलेंगे, सूरह नूह आयत नंबर 12। नंबर छह, नहरें जारी होंगी, सूरह नूह आयत नंबर 12। नंबर सात, खुशहाली वाली जिंदगी नसीब होगी, ठाठ वाली जिंदगी, खुशहाली वाली जिंदगी, ये भी कुरान में है, सूरह हूद आयत नंबर 3। नंबर आठ, ताकत और कुव्वत मिलेगी, सूरह हूद आयत नंबर 52। नंबर नौ, मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जिसके नामाए आमाल में इस्तिग़फ़ार ज्यादा हो, इब्ने माजा में ये हदीस है। नंबर दस, जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उसे हर गम और हर तकलीफ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसे वहमो गुमान भी न होगा। रिस्क से मुराद खाली रोटी नहीं है, अच्छी बीवी भी मिलेगी इंशाल्लाह, अच्छा शोहर भी मिलेगा, अच्छी दुकान भी मिलेगी, अच्छा मकान भी मिलेगा, अच्छे पार्टनर भी, सब कुछ जो इंसान की जरूरत है अल्लाह ताला उसे सब कुछ देगा। ये रिवायत कई किताबों में है, अबू दाऊद में भी है, इब्ने माजा में भी है, मैंने थोड़ी सी तफसील बयान कर दी। इसलिए उठते बैठते इस्तिग़फ़ार बहुत कीजिए। अब पढ़िए मेरे साथ, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ये दुआ हम सब के लिए कबूल फरमाए, पूरे सब जगह इसे भेज दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इस्तिग़फ़ार के कितने फायदे हैं। ये मैंने जितने बताए ये कम है, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता सब चीजें, किताबों में मैंने लिख दिया है। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए, आमीन।